नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फुटेज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कन्हैया। तो आज के वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के 5 ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं, जिसे जानने के बाद आपको व्हाट्सएप चलाने में आपको और भी मज़ा आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम अपने मोबाइल के व्हाट्सएप को खोल लेते हैं और हम चलते हैं सबसे पहले ट्रिक की ओर। तो क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हमारे मोबाइल में कोई भी मैसेज करता है, फोटो वीडियो भेजता है और वो हमारे फोन के गैलरी में चला जाता है और इससे सभी कोई देख लेता है। कोई भी इसमें से जितना भी कॉन्टेक्ट है, कोई भी हमको फोटो भेजता है तो वो हमारे फोन के गैलरी में शो हो जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा फोटो वीडियो कोई भी फोन की गैलरी में ना जाए, तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चैट का, तो हम चैट को क्लिक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है मीडिया विजिबिलिटी का, अगर हम इसको यहाँ से ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, हमारे मोबाइल पे कोई भी फोटो वीडियो जो भेजेगा वो हमारे फ़ोन के गैलरी में नहीं जाएगा, वो व्हाट्सएप में ही रहेगा। तो इससे हमारा कोई भी फोटो वीडियो नहीं देख पाएगा बिना व्हाट्सएप ओपन किए हुए। तो चलिए दोस्तों, ये तो रही बात कि पूरे व्हाट्सएप में कोई भी फोटो भेजेगा तो गैलरी में नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई भी एक आदमी कॉन्टैक्ट, अगर ये आदमी हमको कोई भी फोटो वीडियो भेजे, और जैसे ये आदमी है और ये आदमी हमें कोई भी फोटो वीडियो भेजे और ये फोन की गैलरी में शो ना हो, तो इसके लिए हम इसके प्रोफाइल टिक को यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मीडिया विजिबिलिटी, हम इसको टच करेंगे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है नो का, हम इसको नो पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये आदमी कोई भी फोटो वीडियो भेजेगा हमको तो इसका फोटो गैलरी में नहीं जाएगा, व्हाट्सएप का सारा फोटो गैलरी में जाएगा, लेकिन ये आदमी अगर हमको कोई भी फोटो वीडियो भेजेगा तो इसका फोटो वीडियो गैलरी में नहीं जाएगा, इसका फोटो देखने के लिए हमें व्हाट्सएप पे ही आना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों हम दूसरी ट्रिक बताते हैं। चलिए जैसे ये आदमी का मैंने व्हाट्सएप खोल लिया और ये हम इसका व्हाट्सएप देख रहे हैं, देखते देखते होता है कि कोई भी वीडियो फोटो हमको पसंद आ जाता है और हम चाहते हैं कि इस फोटो वीडियो को हम बाद में भी देखें। तो जैसे चलिए हमने कोई भी एक फ़ोटो को हमने सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो को मैंने लिया और इस फ़ोटो को मैं बाद में भी देखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, देखिए इस फ़ोटो को हम टच करके रखेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ये देखिए स्टार का, हम इसको स्टार पर क्लिक कर देंगे तो ये फ़ोटो स्टार हो गया, देखिए फ़ोटो में भी दिख रहा है आपको। ऐसे कोई भी और भी कोई फ़ोटो अगर चाहते हैं, जैसे ये वीडियो है और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि बाद में भी देखो, हमें ये कुछ अच्छा लग रहा है, तो हम इस वीडियो को हम स्टार कर देंगे तो ये स्टार हो गया। इस तरह से किसी और का भी फोटो वीडियो को हम स्टार कर सकते हैं, जैसे कि चलिए चलिए हमने कोई भी एक यहाँ से ले लेते हैं, कोई भी और ये ले लिए और इस फोटो को मैं चाहता हूँ स्टार कर दूँ, ये मैंने स्टार कर दिया। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि ये फोटो जो स्टार किया हुआ है ये जाता कहाँ है, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये बैक कर लेते हैं और इसको देखिए ऊपर पे ट्रिपल डॉट है, इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट मैसेज का, तो ये स्टार्ट मैसेज को हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों जो फोटो वीडियो हमने स्टार किया था वो सारा यहाँ पे आ गया। इससे क्या होगा कि हमको फोटो को ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और ऐसे में हम किसी का चैट को भी स्टार कर सकते हैं, कोई भी मेन पॉइंट होता है जो हमें वो देखना पड़ता है या बाद में ढूंढना ना पड़े, उसका ज़रूरत पड़े, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट भेजता है तो आप उसको स्टार करके रख सकते हैं और वो यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं तीसरी ट्रिक की ओर, तो बैक कर लेते हैं इसको। होता क्या है कि कभी कभी हम अपना व्हाट्सएप चला रहे होते हैं और हमें अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज करना होता है, तो हम व्हाट्सएप नंबर चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि हम अपने ऐप को ही अनइंस्टॉल कर देते हैं और दोबारा से फिर ऐप को इंस्टॉल करके फिर उसमें व्हाट्सएप नंबर डालते हैं और फिर हम व्हाट्सएप चलाते हैं, तो इसमें क्या होता है सारा मेरा चैट फोटो बैकअप सब कुछ डिलीट हो जाता है। तो इस वीडियो में जो ट्रिक बताएंगे इसमें आपका व्हाट्सएप चैट फोटो मीडिया सब कुछ रह जाएगा और आपका व्हाट्सएप नंबर चेंज हो जाएगा,
इसके लिए आप जाएंगे ट्रिपल ट्रिपल डॉट है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे प्राइवेसी में जाएंगे। प्राइवेसी में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है चेंज नंबर का। चेंज नंबर को क्लिक करके देखिए यहाँ पे आ रहा है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ओल्ड नंबर डाल देंगे जिस नंबर से मेरा व्हाट्सएप चल रहा है। तो चलिए हम ओल्ड नंबर डाल देते हैं जिस नंबर से मेरा व्हाट्सएप चल रहा है अभी। ये मैंने डाल दिया। अब मैं चाहता हूँ जिस नंबर से व्हाट्सएप चलाना चाहता हूँ नया नंबर, चलिए मैं अपना नया नंबर डाल देता हूँ। डाल दिया और फिर ये नेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है नोटिफाई कॉन्टैक्ट का। अगर आप चाहते हैं कि जितना भी कॉन्टैक्ट है आपका सबको पता चल जाए कि आपने दूसरा नंबर व्हाट्सएप का दूसरा नंबर से खोला है, तो यहाँ पे ये ओके कर देंगे और यहाँ पे ऑल कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही डन कर देंगे तो सारे कॉन्टैक्ट को आपको पता चल जाएगा कि आपने अपना व्हाट्सएप नंबर चेंज कर लिया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चौथी ट्रिक की ओर। तो चौथी ट्रिक में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी हम जैसे किसी को मैसेज करना होता है, देखिए जैसे हमने मैसेज करना होता है इसको हेलो कर रहा हूँ, तो हमको यहाँ से एंटर की यहाँ से हम भेजेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एरो का बटन बना हुआ है नीचे, अगर हम चाहते हैं इसे भी एंटर की बना लेने के लिए, तो इससे क्या होता है हमें टाइप करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे देखिए हेलो किए तो हमें यहाँ से सेंड करना पड़ रहा है, लेकिन हम इसे भी एंटर की बना सकते हैं। तो इसके लिए हम चलिए बताते हैं, यहाँ से ट्रिपल डॉट में जाएंगे। ट्रिपल डॉट में जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाने के बाद चैट में जाएंगे और चैट में जाने के बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एंटर इज चैट, तो हम इसे ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद चलिए दिखाते हैं आपको वहाँ पे जो एरो का निशान था जैसे हमने चैट कर रहा था, देखिए जैसे मैंने ये हेलो कर रहा हूँ और ये देखिए यहाँ पे जो एरो का निशान था ये सेंड का बटन बन गया और आप यहाँ से भी चैट कर सकते हैं। कुछ भी लिख करके आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं पांचवें ट्रिक पे। पांचवें ट्रिक में बताएंगे दोस्तों जैसे क्या होता है, हमें सुबह सुबह किसी को गुड मॉर्निंग करना होता है, हमारे कुछ दोस्त होते हैं हमें उसे गुड मॉर्निंग करना होता है या गुड नाइट करना होता है, तो हमें सबको एक एक करके हमें गुड मॉर्निंग लिखना पड़ता है, नहीं तो ग्रुप में हम एक साथ पांच आदमी से ज़्यादा नहीं भेज सकते। लेकिन हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसमें आप एक साथ गुड मॉर्निंग करेंगे और आपके सारे दोस्तों को चला जाएगा। तो इसके लिए आप ये ट्रिपल डॉट पे क्लिक करेंगे। ट्रिपल डॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है न्यू ब्रॉडकास्ट का, तो इसको हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम इसमें से वो नंबर चूज करेंगे आप जिसको जिसको गुड मॉर्निंग करना चाहते हैं या कुछ भी लिखना चाहते हैं, विश करना चाहते हैं। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे इस आदमी को मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर मैंने किसी किसी और भी नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जिस जिसको भी मैंने सिलेक्ट करूँगा ये नंबर सिलेक्ट हो जाएगा और एक ग्रुप बन जाएगा। इसमें आप 256 आदमी तक सिलेक्ट कर सकते हैं एक बार में। तो चलिए मैंने अभी फिलहाल चार पांच आदमी को सिलेक्ट कर लिया, और भी कर लेते हैं, चलिए इनको भी कर लेता हूँ। ऐसे आप जितना भी कर सकते हैं और यहाँ पर डन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इसको अगर हम गुड मॉर्निंग लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, चलिए हम हेलो लिख देते हैं, तो हेलो लिखेंगे तो ये सारे को मैसेज एक बार में चला जाएगा और ये सारे आदमी जब हमें वापस मैसेज करेगा तो एक एक करके हमारे व्हाट्सएप पे आएगा और इसे जो मैसेज गया इसको लगेगा कि हम इसको पर्सनल इसके व्हाट्सएप से ही मैसेज किया है, ये कोई ग्रुप नहीं है। बस आपको ये विश करने के लिए एक अच्छा तरीका है कि आप किसी को अगर गुड मॉर्निंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके गुड मॉर्निंग लिख दीजिए और सबको एक साथ चला जाएगा, या गुड इवनिंग गुड नाइट कुछ भी लिखना चाहते हैं तो एक साथ चला जाएगा, या कोई भी ऐसा फोटो पिक भेजना चाहते हैं तब भी चला जाएगा। तो दोस्तों ये कैसी लगी ये पांचों ट्रिक, हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं।
और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे ट्रिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।